उमरिया जिले के नौरंगाबाद गुरुद्वारा प्रांगण में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में सिख समुदाय के लोगों द्वारा गुरु नानक देव जी का 553वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। निखानिया जी और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज, जो की नई सोच है नई आजादी का। आज हम मौजूद हैं उमरिया जिले के नौरोजाबाद गुरुद्वारा प्रांगण में, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और हर वर्ष यहां एक विशाल भंडारा भी किया जाता है। जैसा कि आज नगर नौरोजाबाद के गुरुद्वारा प्रांगण में हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां आए हुए हैं और गुरु नानक जी का दर्शन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ गुरु नानक जयंती जी का यह पर्व मनाया जाता है और इसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। उमरिया से सम्मी खानिया जी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था और गुरु नानक जी का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर एक किसान के घर में हुआ था। बात करें गुरु नानक जी के जन्म उत्सव की, तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर नौरोजाबाद में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे में भव्य भंडारे का आयोजन भी रखा गया था, जिसमें आसपास सहित दूर दराज के लोग उपस्थित होकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किए। आज गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा नौरोजाबाद जिला उमरिया के इस गुरुद्वारे में 393 गुरु नानक जयंती पर्व को बड़े धूमधाम के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ नौरोजाबाद गुरुद्वारे में मनाया जा रहा है। इस गुरुद्वारे में जो भी कार्यक्रम होता है आम पब्लिक के लिए है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सबके लिए, सबको विश्वास में लेके, सब धर्म समभाव को लेके इस कार्यक्रम को करना है। उन्हीं की दिशा निर्देश में हम लोग लंगर की बात सबका साथ, अभी गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, कोई ना धार्मिक भेदभाव है। इन सबके बीच में इस प्रोग्राम को कराया जाता है। देखिए लंगर का प्रोग्राम चल रहा है, ये लंगर हमारा शाम को 4-5 बजे तक चलेगा। उसके बाद आतिशबाजी का प्रोग्राम होगा, शाम को फिर महिला सत्संग होगा, कीर्तन होगा, इसके बाद इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा, समाप्ति होगी इसकी। इस कार्यक्रम में पूरे नगर के लोग बाहर से, पाली से, उमरिया से, शहडोल से कई लोग आते हैं, इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, गुरु जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, अपने भाग को वो अपना सफल बनाते हैं। ये गुरु जी की द्वारा जो प्रेरणा दी गई, उस प्रेरणा को लेके सिख नहीं, सब जात, सब भाव, सब धर्म को लेके ये कार्यक्रम आवेदन चलाया था, वो कार्यक्रम चल रहा है। भाई गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगर वासियों को, क्षेत्र वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा गुरु नानक जयंती की। और आपको ये बताना चाहूंगा कि आज गुरु नानक जयंती के कार्यक्रम में हमारे यहाँ नगर नौरोजाबाद नगर में एक विशाल गुरुद्वारा है, जिसमें एक हमारे पूरे समाज के, चाहे सिख समाज हो, चाहे सिंधी समाज हो, और समाज के अन्य वर्गों से भी लोगों ने आके अपना हिस्सा लिया। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे पाठ साहब कराया। पाठ साहब के बाद जिसकी जिसकी जो अरदास होती है, जिसकी जिसकी जो मान्यता होती है आपके हिसाब से, उसमें सभी लोगों ने अपनी मान्यता रखी। और तत्पश्चात उसके बाद देखा गया कि यहाँ पे एक सभी महिलाओं पुरुषों ने एकत्रित होकर एक दूसरे को बधाइयाँ दी, हमारे बाबा जी ने भी सबको बधाइयाँ दी। और उसके बाद एक लंगर का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लंगर हमारे आम रूप से रखा गया है। आम रूप से रखने का ये कारण होता कि सभी गरीब वर्ग के बड़े बुजुर्ग जो भी हों एकत्रित हो सके और उस लंगर को संपन्न कराया जा सके। और यहाँ पे अभी भी लंगर चल रहा है और ये लंगर लगभग 4 बजे तक चलेगा। और इस लंगर के बाद एक हमारे आतिशबाजी और जो और भी हर्षोल्लास से मनाने की जो प्रक्रिया होती है इस गुरु नानक जयंती को, वो हम पूरी संपन्न करवाएंगे।